हूँ आपकी ऋतु और आज का मेरा वीडियो होने वाला है मीशो के टॉप हॉल पर। इसमें मैंने एक ड्रेस भी ऑर्डर किया है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर एट द एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। नाउ विदाउट एनी वदर यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई गॉट फ्रॉम मीशो अंडर द प्राइस ऑफ 300, मे बी आई थिंक आई गॉट इन 270, एंड मैंने इसे स्मॉल साइज़ में लिया है एंड इसका साइज़ मेरे को परफेक्ट फिट आया। बाकी पूरा आप इसका फ्रंट लुक देख लो एंड बैक लुक देख लो, पूरा बैक से तो ये सिंपल है, बाकी पूरे पर आपको इस तरीके का ये प्रिंट मिल जाएगा। समर अप्रोप्रिएट है काफ़ी ये, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत लाइट वेट है, प्योर कॉटन का फैब्रिक है एंड पूरे पर आपको इस तरीके की डिज़ाइन मिल जाएंगी एंड ये फुल स्लीव्स मिल जाएंगी। स्लीव्स पर इस तरीके का इलास्टिक अप्लाई किया हुआ है एंड फ्रंट पर आपको बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएगी। नीचे आपको इस तरीके का स्टिचिंग मिल जाएगा, मतलब अलग से फ्लेयर दिया हुआ है नीचे का जो दिख रहा है आपको। बाकी यहाँ पर साइड में आपको इस तरीके का दो नॉट बनाने के लिए मिल जाएंगे। स्ट्रेच करके आप इसे ऐसे ग्रैप करके साइड में वेस्ट एरिया पर इसे ग्रैप करके एक नॉट बना सकते हो एंड दोनों साइड में आपको इस तरीके का मिलेगा। बाकी जो प्रिंट है इस तरीके का फ्लोरल प्रिंट हो रखा है एंड बिल्कुल भी उभरा हुआ नहीं है ये। सो फ्रंट में आपको वी नेक मिलेगा एंड बटन्स की डिटेलिंग मिल जाएंगी। बटन्स आर नॉट ओपनेबल, ये बस डिज़ाइन के लिए है एंड साइड में मैंने जैसे बताया था जो रिबन दिए हुए हैं साइड में उन्हें आप स्ट्रेच करके अच्छे से बांध सकते हो, तो इससे ना इसका मतलब लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ जाता है, मतलब एकदम वेस्ट एरिया पर अच्छे से फिट आता है। मैंने इसे शॉर्ट्स के साथ पहना हुआ है, आप इसे लैगी के साथ पहन सकते हो, जीन्स के साथ पहन सकते हो। ये थोड़ा सा ऑफिस वेयर और कॉलेज वेयर काइंड ऑफ मतलब टॉप है, क्योंकि आप चाह रहे थे थोड़े से लॉन्ग टॉप लाने के लिए तो इसलिए मैंने ये एक परचेज किया। नेक्स्ट आई गॉट दिस क्यूट येलो टॉप, मैंने इसे लिया अराउंड 200 में और मैंने इसमें साइज़ जो पिक किया है वो स्मॉल है। एक्चुअली साइज़ मेरे को लिल बिट टाइट है, तो आप एक साइज़ अपर जाना क्योंकि इस फैब्रिक में बिल्कुल स्ट्रेच नहीं है। तो फ्रंट पर आपको इस तरीके की स्टेप मिल जाएगी एंड इस तरीके का नेक मिलेगा जिससे यहाँ पर दो रिबन दिए हुए हैं जिससे आप नॉट बना सकते हो। बाकी नीचे इस तरीके की फ्रिल्स मिल जाएंगी आपको, लाइक छोटी सी फ्रॉक होती है ना बच्चे वाली, कुछ उस तरीके का इसका लुक है एंड यहाँ साइड से मेरे को ये थोड़ा सा टाइट है। बाकी इसके फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब बिल्कुल भी चीप क्वालिटी का नहीं है एंड आप देख सकते हो मेरे को थोड़ा सा साइड में टाइट आया है, तो उसके लिए आप एक साइज़ अपर जाना। इवन आप अगर एक दो साइज़ भी अप चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आई थिंक इसमें कलर यही है, पर ये काफ़ी क्यूट लग रहा है, मतलब समर अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ टॉप है ये एंड इसमें भी वहाँ पर आपको कई सारे कैटलॉग्स मिल जाएंगे, मतलब इसी तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टॉप्स। इसमें स्टेप्स दी हुई हैं, आप स्लीव्स के साथ वाले ले सकते हो एंड कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल टॉप मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड या दैट्स इट। नेक्स्ट आई गॉट दिस टॉप, प्राइस अराउंड 300 और मैंने इसे स्मॉल साइज़ में लिया है। ये इसका फ्रंट और बैक लुक है, स्लीव्स आपको कुछ इस तरीके की फ्लोरल वाली स्लीव्स मिलेंगी एंड स्ट्रेच की बात करूँ उसकी तो इसका स्ट्रेच सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा है इसका सच में। तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, एक्चुअली इट्स अ क्रॉप टॉप एंड फ्रंट पर आपको इस तरीके का क्रिस क्रॉस नेक मिल जाएगा एंड मुझे सच में ये बहुत ही अच्छा लगा। इवन इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसको आप फैब्रिक देख सकते हो कि कैसा इसका फैब्रिक है, इसीलिए इसमें स्ट्रेच बहुत अच्छा है। नीचे आपको इस तरीके के रिबन मिल जाएंगे एंड आफ्टर वेयरिंग इट लुक सो सो नाइस एंड इसमें आई थिंक आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, पहले इसका लिंक मिल जाए। एक्चुअली मैंने ये काफ़ी टाइम पहले लिया था और मुझे इसका लिंक नहीं मिल रहा, बट इट लुक सो ऑसम। समर अप्रोप्रिएट है, आप नॉर्मल जीन्स के साथ शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो इसे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है इस तरीके का टॉप एंड इसमें जो भी कलर थे ना वो सारे समर अप्रोप्रिएट थे एंड जो लोग भी स्टाइलिश टॉप पहनना पसंद करते हैं, क्रॉप टॉप पहनना पसंद करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो या आई एम गोना लव दिस टॉप एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है इसका, बहुत स्ट्रेचेबल एंड सो कम्फर्टेबल। नेक्स्ट आई गॉट दिस ब्राउन शेड टॉप फ्रॉम मीशो अंडर द प्राइस ऑफ 350 और मैंने इसे लिया है स्मॉल साइज़ में। इट लुक सो सो गुड। अभी इस टाइम इसमें आपको ये वाला कलर नहीं मिलेगा, बट आई थिंक वाइट और एक कलर और अवेलेबल है, वो कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड आप इसका लुक देख लो पूरा, इसका स्ट्रेच बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने बोला ना कि रिब्ड वाले मीशो पर जो टॉप होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलते हैं, बहुत सॉफ्ट मटेरियल में मिलते हैं। फुल स्लीव्स मिलेंगी आपको एंड फ्रंट पर आपको इस तरीके का कॉलर मिलेगा
एंड जो फैब्रिक है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड इसका आप एक्चुअल कलर देख लो, बहुत ही प्रिटी सा कलर है। एंड ये वाला कलर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। सो या मुझे ये टॉप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड आफ्टर वेयरिंग इट लुक सो 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 नाइस। एंड आप फैब्रिक देख सकते हो, लाइनिंग वाला फैब्रिक है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, मतलब रिब्ड वाले टॉप्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। एंड जब मैंने इसे पहना तो इट लुक सो अमेजिंग, मतलब इतनी अच्छी फिट आई थी इसकी। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा H&M से इंस्पायर्ड है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के टॉप ना क्रॉप टॉप में है, लेकिन यहाँ पर आपको फुल लेंथ मिल रही है। तो अगर आप मतलब ट्रेंडी टॉप चाहते हो तो इस तरीके के टॉप्स ले सकते हो, क्योंकि सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मीशो पर नहीं मिलेगा। इवन आपको अमेजोन पे इसके सारे कलर्स मिल जाएंगे। एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कॉलर्स वगैरह सब मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे ये मिला है। सो या मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड आप इसे ब्लैक कलर के साथ पैरअप कर सकते हो, ब्लू कलर के साथ पैरअप कर सकते हो। एंड शॉर्ट्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। इवन आप इसको क्रॉप टॉप की तरह भी पहन सकते हो शॉर्ट करके। सो या आई लव इट। नेक्स्ट आई गॉट दिस ड्रेस, आई गॉट इन द प्राइस ऑफ अराउंड अंडर 400 मे बी। एंड मैंने इसे स्मॉल साइज़ में लिया था, लेकिन ये मेरे को लार्ज साइज़ में मिली है, तो मुझे ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। बाकी इसका स्टाइल वगैरह सब कुछ अच्छा है, अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका, लेकिन ये मुझे इतनी बड़ी है तो मुझे समझ भी नहीं आ रही दिखाऊं कैसे और इसको पहन के कैसे दिखाऊं। अभी मैंने पीछे से थोड़ा सा ना इसको लाइक पिनअप कर रखा है, इसलिए मैंने अच्छे से दिखा पा रही हूँ। बट इसका अगर फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक बहुत स्ट्रेचेबल है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। यहाँ स्क्रीन पे थोड़ा सा फेडेड लग रहा है, नीचे आपको साइड में इस तरीके का कट मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा साइड में मिलेगा आपको, ऐसे आप ट्रान में देख सकते हो। बट इट लुक्स नाइस, अगर ये मेरे को एक्चुअल साइज़ में मिलती तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती। फ्रंट पर आपको इस तरीके के स्ट्रैप्स मिल जाएंगे, अगर आप स्ट्रैप्स के साथ अनकम्फर्टेबल होते हो तो आप इसके ऊपर कोई जैकेट वगैरह या यू नो बहुत लाइट सी जो शर्ट्स आती हैं वो आप पैरअप कर सकते हो। एंड पहनने के बाद इतनी ज़्यादा बुरी नहीं लग रही थी, बट इसीलिए मैं बोल रही हूँ अगर एक्चुअल साइज़ होता तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती। कलर्स इसमें कितने अवेलेबल हैं मुझे नहीं पता, बट ब्लैक कलर तो ब्लैक कलर है, तो यह ब्लैक कलर मुझे अच्छा लगा। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का हॉल वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल। बाय, लव यू ऑल।